हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अच्छा पूनम जी, आप मिस इंडिया रह चुकी हैं, तो इतनी खूबसूरत हैं, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत सारे शादी के प्रपोजल आते होंगे, तो शत्रु सर में ऐसी कौन सी खास बात लगी आपको जो आपने वरमाला इनके गले में डाली? पता क्या, उस समय आंखें बंद थी। आप आंखें खुल चुकी है। तब तक बड़ी देर कर दी, मेहरबा आते आते हैं। लेकिन एक किस्सा सुनाऊं जी, जो आप अपने घर में और अपने घर में भी सुना सकते हैं, ताजा ताजा शादी हुई है आपकी। कि मैं पहली बार, मेरे बड़े भाई डॉक्टर राम सिन्हा जो अमेरिका में हैं, साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने मेरा प्रपोजल लिया, और प्रपोजल लेकर वही NNCP जिनके पीछे प्रहलाद नीला ने इंट्रोडक्शन दिया, उन्हीं NNCP साहब के साथ मैंने अपने सासू माँ के पास प्रपोजल भेज दिया जोश में आके। गलती हो गई, हमने कहा जाइए, हम तैयार हैं शादी के लिए। और गए इनके पास, सासू माँ ने फौरन रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा, अरे तुमने सोचा कैसे, तुम्हारा भाई इतना कालिया है, गली का गुंडा दिखता है, कटी फटी शक्ल है, हमारी बिटिया इतनी सुंदर है, गोरी चिट्टी है, दोनों को खड़ा करके सोचा है कभी कलर्ड फोटोग्राफ भी खींचेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट का इफेक्ट आएगा। सर पागल है, आपके डायलॉग बोल रहे हैं, इनसे बोल सकते हैं? लेकिन यहाँ पे सर हमारे दर्शक हैं, बहुत अलग अलग जगह से लोग आते हैं, कुछ गुजरात से आए, कुछ पंजाब से, कोई हरियाणा से, कोई मध्य प्रदेश से, तो शत्रु सर का आपको डायलॉग बोलना है, कोई भी डायलॉग आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज में बोलना है, तो सबसे पहले कौन हाथ खड़ा करेंगे हमारे दोस्त जी? कहाँ से आया, माइक ले लीजिए पहले। नमस्ते साहब। नमस्ते जी, मैं कोलकाता से आया हूँ। खाया पिया करो। कोलकाता से, यू बंगाली? हाँ मैं बंगाली हूँ। अच्छा जी, मेरा नाम कार्तिक चंदो दे है। कार्तिक दे? यस सर। किसको दे? अच्छा जी जी जी, कार्तिक प्लीज। बंगाली? अच्छा तो हाँ बंगाली बोलो सर, आपने अति सुंदर बंगाली बोलते मारो। हाँ बोलो तो तू ही बोलो। तो अपने वही डायलॉग टा मैं अखुन अपने के सुनाते चाहिए, सबाई के सुनाते चाहिए। हाँ तुम ये बोलो, हम चलते हैं। बोलो बोलो बोलो। जे जले ताकि आग बोले, आगुन बोले, আগুন নিভে গেলে ছাই হয়, যে ছাই থেকে বারুদ হয় সেই বারুদকে বিশ্বনাথ বলা হয়। বাহ, জলি কো আগ কহতে হ্যায়, বুঝি কো রাখ কহতে হ্যায়, আর জিস রাখ সে বারুদ বনে উসে বিশ্বনাথ কহতে হ্যায়। বাহ, ক্যা বাত হ্যায়, ফ্যান্টাস, খুব ভালো, খুব ভালো, খুব ভালো, মিষ্টি ভালো, বড়ে প্যারে হতে বেঙ্গলি লোক, ঘুমা কে বলতে রসগোল্লা, তো মুহ সে চাশনি টপকতি পতা। ऐसे ही मैं कभी कभी रसगुल्ला बोलते थे, ऐसे साफ करना पड़ता कि गिर गया, चाशनी तो नहीं गिर गई। शुक्रिया कार्तिक। हाँ सर। दे कपिल ले। कार्तिक बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा डायलॉग बोला। और कोई हमारे दोस्त? जी मैम, माइक दे दीजिए इनको। सबसे पहले बताइए आप कहाँ से आई हैं? सर मैं बोरेली मुंबई से हूँ। इधर से ही आई हैं? हाँ जी। अच्छा जी, तो आप फिर कौन सी भाषा, महाराष्ट्र में बोलेंगी? नहीं। हाँ जी, सिंधी। अरे वाह, अरे बाबा, सिंधी में? अरे बोलो, अच्छा, हमारी सासू माँ की भाषा है जी। जेको बरंदो आ उनके भाई चवंदा आहिनि, जेको विसामंदो आ उनके रख चवंदा आहिनि, रख मां जेको बारूद ठहंदो आ उनके विश्वनाथ चवंदा आहिनि। इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर आप बताओ। वही है, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। अच्छा, सेम डायलॉग था। और जिस बारूद से राख, राख से बारूद निकले उसे विश्वनाथ। थैंक यू, यू आर वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल टू। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त जो शत्रु सर का, अरे वाह ग्लैमर बहुत आज शत्रु सर भर भर के आया है जी। Hi Kapil, hi sir, hi ma'am. My father is a big fan of yours. Namaskar sir, kaise hain aap? Thank you sir. Fine sir, fine. Aap samal ke bolo. Sir, main Karnal Haryana se aayi hu. My name is Chetna. Ji Chetna. Aur main aapka dialogue English mein bolungi. Wow! Kya baat hai. Ji please boliye. Burning is called fire. Oh. After burning, it's called ash. Okay. And the ash that is used to make gunpowder is called Vishwanath. Oh. Yeah.
विश्वनाथ। वाह, जीती रहो भारत की बेटी। मैं अगर सीख भी लेता ना तो नहीं आता ये गन पाउडर जो बोला ना, वाह कमाल है। चेतना बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करती है चेतना आप? सर मैं गुड़गांव में बैंक में काम करती हूँ। वंडरफुल, बहुत अच्छा। बैंक में काम करती है, इतनी इंग्लिश बोलती है, आपसे तो हम ज्यादा बात भी नहीं कर सकते हम लोग। नहीं, हिंदी हिंदी बहुत अच्छी बोलती हूँ। बहुत अच्छी बोलती है, बहुत बहुत शुक्रिया। पापा साथ ना ना होते और बातें करता मैं। थैंक यू चेतना, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जो शत्रु सर का डायलॉग बोलना चाहते हैं? जी आइए आइए, आप बचपन वाले परेश रावल साहब वाला मुंह लेके आप शत्रु साहब का। जी क्या नाम है आपका सर? जियाउल हक, आसाम ग्वालपरा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आप बताइए कौन सा डायलॉग? मेरा जो डायलॉग है वो आसामी आसामी बोलना चाहता हूँ। आसामी में? जी जी प्लीज प्लीज। जी जले जुई है जुई नु। बड़ा मजा आया, दोबारा बोलना। कितना अच्छा लगा वो जो रॉब था ना, एकदम से ऐसे मेल्ट कर दिया उन्होंने। दोबारा बोलना। हाँ, जी जले जुई है, जुई नुमाई गले कोयला है, कोयला है, कोयला विश्वनाथ। बारूद कय बारूद विश्वनाथ भी कहा है। क्या बात है यार, ये भारत देश ऐसा है, इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे कल्चर, पर मजा सेम ही है। बड़ा मजा आया यार सुन के एसएमई में। बहुत अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी बेटा। हेलो। हेलो सर। हेलो। हेलो सिद्धू सर। हेलो। हेलो मैम। हेलो। मैं सेम डायलॉग को तेलुगु में बोलने वाली हूँ। अरे वाह, कहाँ कहाँ से आई आप? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से। जी बहुत बहुत स्वागत है। जी प्लीज बोलिए। कालिते मंटंटारू। कामड़े ने मंटंटारू కాలితే మంట అంటారు, ఆగితే బూడిద అంటారు. ఏ బూడిదతో బారుతం తయారు చేస్తారో ఆయననే విశ్వనాథ్ అంటారు. బహుత్ బహుత్ ధన్యవాద్ ఆప్కా షో మే బైఠియే, శుక్రియా. అచ్చా మ్యామ్ భీ కుచ్ బోల్నా చాహతీ హై. జీ జీ మ్యామ్ ప్లీజ్. మే గుజరాత్ సే ఆయీ హూ. హాయ్ హాయ్, గుజరాత్ రహ గయా థా అభీ. జీ 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 ప్లీజ్ ప్లీజ్. સળગાવ્યું એને આગ કહેવાય, બુઝાવ્યું એને રાખ કહેવાય, જે રાખથી બારૂદ બને એને વિશ્વનાથ કહેવાય. અરે વાહ, ક્યા બાત હૈ. અચ્છા દેખ લો, ગુજરાતી ઇતની મીઠી લેંગ્વેજ હૈ કે ખતરનાક ડાયલોગ ભી ઇતના પ્યારા લગે ના. ઈન વિશ્વનાથ કહેના થારી મને ઢોકલો કહેવે. આજ તો ભારત ભ્રમણ હો ગયા હમારા. મેનકા જી બહોત બહોત શુક્રિયા. भूमिका सर. भूमिका तो बताना चाहिए था ना पहले, मेरे तो फिर जो मन में आया मैं बोलूंगा. बहुत बहुत शुक्रिया भूमिका, आपका धन्यवाद. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. वंडरफुल. अरे शत्रु सर, मैंने सुना है ऐसा कि लड़कियां आपकी बहुत दीवानी होती थी सर. होता है सर ऐसे? देखिए आप बहुत, मैं आपसे प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछता हूँ सर, कभी पकड़े नहीं गए आप? हाँ ये सच है जी, कि एक बार पकड़ा गया मैं. अच्छा जी. और एक बार पकड़ा गया रेड हैंड, वो शादी से पहले नहीं. अच्छा जी. जब पकड़ा जाना चाहिए था तब नहीं पकड़ा गया. अच्छा. शादी के बाद जब नहीं पकड़ा जाना चाहिए था तब पकड़ा गया. खैर आगे पकड़ा गया तो पत्नी ने आके जो मेरी खिंचाई हुई और मेरी पिटाई हुई तो अलग है, एक आध दाग बढ़ गए चेहरे पे. लेकिन उन्होंने कहा कि शर्म नहीं आती तुमको कि अभी तुम्हारे बच्चे हो गए हैं और तुम ये सब हरकत. रवि अब इस बार मैं माफ करती हूँ, इस बार मैं माफ करती हूँ, लेकिन आज के बाद मुझे और किसी लड़की के बारे में पता चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. और वो दिन और आज का दिन मैंने पता नहीं चलने दिया. यार. अरे घर घर की कहानी है ये. जो पकड़ा जाए वही चोर. अच्छा नॉर्मल लोगों के नाम निकनेम होते हैं ना, बिट्टू चीकू बेबी बोल देते हैं, शत्रु सर का नाम एकदम दबंग वाला है, निकनेम भी शॉटगन. सर ये नाम किसने दिया आपको? ये शॉटगन की माँ है शोभा डे.
शोभा डे जो बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हैं जी, दरअसल मेरा नाम तो शत्रुघ्न है ना, SHATRUGHNA जी, शत्रुघ्न। मैंने थोड़ा सिंपल किया, जब FTI से निकल रहा था मैंने कहा नाम कैसे लोग याद रखेंगे, तो मैंने शत्रुघ्न को शत्रुघ्न कर दिया, SHATRUGHAN। मैं समझा आप कहानी ख़त्म हुई, लेकिन दरअसल कहानी वहीं से शुरू होती है। भिन्न भिन्न प्रांत के लोग आज तक मेरा नाम किस तरह भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारण करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे बंगाली फ्रेंड अभी तक मुझे कहते हैं कि रे शत्रुघ्नो कैमन आशीष, शत्रुघ्नो डॉक्टर नो का भाई बना दिया। हमारे पंजाबी फ्रेंड अभी तक मुझे कहते हैं ओ की हाल है शत्रुगंज, दरियागंज, पहाड़गंज, शत्रुगंज। वो हमारे गुजराती फ्रेंड्स हैं, वो आज तक मुझे कहते हैं, वो तो सरनेम और फर्स्ट नेम दोनों बदल दिया। अब हमारे शाम का मुख अतिथि आता है, जोरदार से ताली से आप उनका स्वागत करेंगे, मिस्टर शत्रुघ्न सिंह। उसी तरह से हमारे बहुत सारे ये बिहार के लोग हैं, अब वो अपने इतना मानते हैं बिहारी बाबू, प्यार करते हैं, तो बोलते देखिए आ गया हमारा मुख्य अतिथि अभी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा। अरे हम शत्रुघ्न नहीं है, तो कहता दोबारा तो करेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन आपके मामले में एक बार दोबारा कर देते हैं, अभी आ गया हमारा मुख्य अतिथि बाबू शत्रुघ्न सिन्हा। अरे हमने कहा कि देखो भैया ना मैं हन हूँ ना धन हूँ, मैं शत्रुघ्न हूँ। कहता देखिए बिहारी बाबू जो मजा हन या धन में है वो घन में नहीं है। एक बार पाकिस्तान पहुंच गया, उन्होंने कहा जहां ख्वातीन हजरात शाम के जलसे के सत्र महफिल तशरीफ ला चुके हैं, हम उनका खैर मकदम करते हैं जनाब शत्रुमुर्ख सेना। अबे शत्रुमुर्ग सेना, अरे शत्रुमुर्ग सेना, सेना भी उधर शत्रुमुर्ग। मैं थक हार के वो नाम को इस तसल्ली के साथ कर गया, इस नाम को स्वीकार के, धन्य है हमारा भारत देश जहाँ शत्रु को भी लोग प्यार करते हैं अगर अच्छा काम करें तो। पर सर आपके बड़े सारे नाम और भी हैं, जैसे कॉकटेलाइज, लेडी किलर, ये सब भी नाम आपके पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों से सुने हैं, तो ये किन्होंने रखे सर? अरे रखे जिसने भी हो, मैं बगल में पत्नी बैठी हुई तो पूछने के पहले आप। बेवकूफ ना हो तो। ये सब बातें कोई पत्नी के सामने करता है क्या? आपको तो अभी पत्नी की आदत नहीं, ताजा ताजा आदत पड़ी है। सर धीरे धीरे सीख जाएंगे सर। हाँ, सीख जाएंगे। इसीलिए हम चाहते थे कि आप जल्दी जल्दी आए और थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे टिप्स दे दें। कितने सारे टिप्स दिए हैं? बहुत सारे सर। अब तो बूमा बूम हो जाइएगा। मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पे शत्रु सर और पूनम मैम के चश्मे चिराग लव सिन्हा वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। लव प्लीज आप भी थैंक यू मंच पे आ जाइए, जोरदार तालियों से एक बार स्वागत हो जाए। लव कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अच्छा लव, इतने मजेदार किस्से, मुझे लगता है कि आपके मम्मी पापा आपस में बातें करते रहे, तो आपका तो एंटरटेनमेंट कितना होता होगा घर पे? नहीं बहुत होता है, पर ये सब कहानियां मैं सुन चुका। अच्छा। लव और कुश जो हैं और सोनाक्षी, तीन बच्चे हैं, तो सबसे ज्यादा प्यार किसको मिलता है? लव नाम के हिसाब से तो लगता है कि आपको, कि हर कोई बोलता होगा हाय लव। बहुत दुख भरी कहानी है, नाम तो लव रख दिया पर सबसे ज्यादा प्यार सोनाक्षी को ही दिया। अरे भाई तो ये जमाना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पर ये सच्ची बात है सर, बेटियों को ज्यादा प्यार मिलता है। मेरे भी ना, मेरे पापा जब थे तो मेरी बहन को बड़ा प्यार से उठाना, ऐसे पैर दबाने, बेटा उठ जा स्कूल जाना, ये वो हमारी रजाई खींच लेते थे ऐसे ही, और ये भी नहीं देखते थे मुंह हमारा इस तरफ है या उस तरफ है, बड़ा अजीब से तरीके से हमारे साथ ऐसा होता था। लव कभी ऐसा हुआ जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, आपका बच्चपन में हो जाती है तू तू मैं बच्चों में आपस में, तो आपका किससे पंगा हो गया हो, बाद में उनको पता चला हो कि आप शत्रु साहब के बेटे हैं जी, तो फिर उसके बाद भाग गए हो, ऐसा हुआ कभी? झगड़ा हुआ। अच्छा। पर हम लोग बोर्डिंग स्कूल में थे। अच्छा। तो वहाँ पे कोई ये नहीं देखता था कि आप कहाँ से हो किसके बेटे हो, झगड़ा हुआ तो मतलब आपको खुद उसे मतलब हैंडल करना होता था, और ये अच्छी बात थी। आई थिंक कि आपको ये नहीं देखना चाहिए कि आपके पिताजी कौन है, आप कहाँ किस घर से आ रहे हैं, आपको अपने आप
जिंदगी का सामना करना चाहिए और ये मैं मानता हूँ मैं इन्हीं से सीखा हूँ। अरे वाह, क्या बात है। गुड, वेरी गुड। सर मुबारक हो, आपके बच्चे बहुत अच्छे निकले। माँ की वजह से। सोनाक्षी से तो हम बहुत बार मिल चुके हैं और मेरी तो बहन बनी हुई है शत्रु सर। जी जी। पर आपको तीनों को मिलके इतना अच्छा लग रहा है कि इतनी अच्छी फैमिली है, इतनी प्यारी बातें करते हैं आप लोग। हम धन्य हो गए सर आपको आज शो में यहाँ पे बुलाकर। थैंक यू सो मच। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।